तो आज हम आपके लिए उपवास में बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट हरा भरा साबूदाना वड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। ये दिखने में जितने स्वादिष्ट है उतने ही स्वादिष्ट खाने में भी है और उपवास में खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू अनुज होम किचन। अनुज होम किचन में आपका स्वागत है। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कप साबूदाना लिया है और इसे हम इस तरह से एक छन्नी में डाल लेंगे और हमने यहाँ पे 3 से 4 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो बस इसी तरह से आप भी इसे अच्छे से वॉश कर ले जिससे कि इसमें जितना भी डस्ट रहे वो अच्छे से निकल जाए। तो बस इसी तरह से आप भी इसे अच्छे से वॉश कर ले। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम साबूदाने में पानी ज्यादा ऐड नहीं करना है, हमने साबूदाने के लेवल पर ही पानी को ऐड करना है। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो हमारा साबूदाना एकदम से स्टिकी बनेगा, तो ये ध्यान में रखना है जितना हमने साबूदाना लिया है उतने ही लेवल में हमें पानी भी लेना है और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए भीगने देंगे। तो अब हम हरा भरा मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच अदरक का ऐड करेंगे, 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया। अगर आप उपवास में धनिया नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर दें। 1/2 कप हरा धनिया के पत्ते को ऐड कर लेंगे। हाफ कटा हुआ नींबू के रस को ऐड करेंगे और इन सभी को हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और हमारा हरा भरा मसाला पेस्ट भी तैयार है। अब हम यहाँ पर 1/2 कप हंकर यूज कर रहे हैं जिससे हमने मलमल के कपड़े में अच्छे से निचोड़ लिया था। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेंधा नमक यूज किया है जो कि उपवास में खाया जाता है। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर को ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप कर लें। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि दही में सभी फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम दही को साइड में रख देंगे। अब हम एक बाउल में 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हो और हमने यहाँ पे आलू को 80% ही बॉईल किया था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर के इसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हो आलू एकदम से अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं और अब हम इन्हें साबूदाना में ऐड कर लेंगे। तो लगभग 4 घंटे के बाद आप देख सकते हो साबूदाना कितने अच्छे से फूल चुके हैं और ये अब हम आलू को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और ऊपर से हम कटे हुए करी पत्ते को भी ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें हमारा हरा भरा मसाले के पेस्ट को भी ऐड कर लेंगे। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और आखिर में हमने यहाँ पे 1/2 कप सिंगदाने को थोड़ा सा तवे पे भून के उसे मिक्सर में दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने उपवास का नमक का यूज किया है जो आपको बाजार में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आपका उपवास हो तो आप कुछ खाने के लिए बना रहे हो तो आप उपवास का नमक का ही यूज करें। तो यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इनके वड़े बना लेंगे जिसके लिए हम हाथों में थोड़ा सा मिक्सर ले लेंगे और इसे हम इस तरह से दबाकर चपटा कर लेंगे। और अब हम हमारे दही के मिक्सर को थोड़ा सा हाथों में लेकर इसमें ऐड करेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है ये स्टेप को,
और हमारा हरा भरा साबूदाना वड़ा भी तैयार है। तो बस इसी तरह से आप भी सभी साबूदाने वड़ा को तैयार कर लें। तो चलिए अब हम सभी वड़ा को तैयार कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बना के ट्राई करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और अनुज होम किचन को फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लीजिए साबूदाना वड़ा तो तैयार कर लिया है, लेकिन अभी इन्हें फ्राई करना बाकी है। तो देखा आपने हरा भरा साबूदाना वड़ा बनाना कितना आसान है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम तेल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मूंगफली का तेल का इस्तेमाल किया है और अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तेल गर्म हो रहा है तब तक हम उपवास की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए उपवास की चटनी तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, आधा कप पुदीने के पत्ते लेंगे, आधा कप हरा धनिया के पत्ते लेंगे, आधा कटा हुआ नींबू का रस ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 यहाँ पे हमने चीनी ऐड की है और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी हरी चटनी भी तैयार है। और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम वड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके 7 से 8 साबूदाना वड़ा को डीप फ्राई कर लेंगे। वड़ा डालते समय ध्यान रहे कि तेल आपके ऊपर उड़ कर ना आए, तो हमें ये बहुत ही ध्यान से एक एक करके वड़े को डाल लेना है। तो हम यहाँ पर साबूदाना वड़ा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाकर अलग अलग कर लेंगे जिससे कि वड़े आपस में चिपके नहीं। और इन्हें हम पलटते रहेंगे जिससे कि ये दोनों तरफ से एक जैसे पके। लगभग 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपने देखा दही से स्टफ करके हमने हरा भरा साबूदाना वड़ा किस तरह से बनाया है। तो आप भी इस तरह से साबूदाना वड़ा को बना के देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अब हम हमारे दूसरे बैच को भी तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। और इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमारा हरा भरा स्टफ साबूदाना वड़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हम चटनी को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इन पर हमारे साबूदाना वड़ा को एक एक करके रख लेंगे। तो लग रहे ना देखने में एकदम स्वादिष्ट। तो आप भी इसी तरह से उपवास में घर पर ही गर्मा गर्म हरा भरा स्टफ साबूदाना वड़ा बनाकर ट्राई करें। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।